हिंदू तालिबान को लेकर एक बयान दिया है शशि थरूर का, क्या कहेंगे आप? देखिए, शशि थरूर का अंग्रेजी बहुत मजबूत है, उनकी अंग्रेजी भाषा पर उन्हें से धस्त है, लेकिन इतिहास बोध बहुत कमजोर है। यदि उनका इतिहास बोध होता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत को समझते, जानते, तो शायद हिंदू शब्द के साथ तालिबान का उपयोग नहीं करते। विभाजन की उस विभीषण घटना के बाद भी हिंदुओं ने पंथ निरपेक्षता को नहीं छोड़ा है। हिंदू और पंथ निरपेक्षता दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। शशि थरूर को ऐसे शब्द का, ऐसे विशेषण का प्रयोग करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत एक हिंदू राष्ट्र स्त्री है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पंथ निरपेक्षता को अपना DNA मानता है। आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं भारत को, लेकिन ये तो सेकुलर राष्ट्र है। देखिए, हिंदू राष्ट्र एक विशेषण है, उद्देश्य नहीं है। देश की सभ्यता संस्कृति क्या है? विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संप्रदायों के आने से, के पहले से इस देश की एक लंबी विरासत रही है, जो 10,000 साल की विरासत रही है। उस 10,000 सालों में जो बौद्धिक संपदा रही है, जो सांस्कृतिक उपलब्धि रही है, जो बौद्धिक रचनात्मक देन रहा है, वे सब क्या हैं? वे सभी इस देश को समृद्ध करती हैं, वही इसे पंथ निरपेक्ष बनाती हैं। यह देश सब कुछ छोड़ सकता है, पंथ निरपेक्षता को नहीं छोड़ सकता। लेकिन शशि थरूर का ये कहना है कि जिस तरीके से हिंदू पाकिस्तान पर बवाल किया गया, उनके बयान को समझे बिना, अब वो कह रहे हैं वो लोग कि पाकिस्तान भेज दिया जाए उनको, तो ये हिंदू तालिबानीकरण नहीं है तो क्या है? वो भी हिंदू हैं, उनको देश में रहने का अधिकार है। देखिए, सवाल हिंदू होने ना होने का नहीं है। आप हिंदू विरासत को, हिंदू धर्म को और हिंदुओं को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं, यह सवाल है। हिंदू पाकिस्तान कहने के साथ शशि थरूर ने 10,000 साल की सभ्यता और संस्कृति का अपमान किया है, और उन्होंने हिंदू टेररिज्म के कांग्रेस के नैरेटिव को रिवाइव करने की कोशिश की। धन्यवाद बात करने के लिए। और हिंदू तालिबान पर जो बयान दिया है शशि थरूर ने, उस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। संघ के विचारक जो कि राज्यसभा के नॉमिनेट सांसद चुने गए हैं, राकेश सिन्हा, इस पर बयान दे रहे थे, शशि थरूर की आलोचना कर रहे थे। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।